अगर आप अयोध्या आएंगे तो भगवान राम के तो दर्शन करेंगे, लेकिन उसके पहले सरयू में डुबकी लगाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में हम हैं इस समय नया घाट पर, जहां पर वो लोग हैं जिन्होंने डुबकी लगाई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आने वाले लोग किस तरह से अयोध्या धाम में आकर अपने आप को न सिर्फ प्रफुल्लित बल्कि ये महसूस करते हैं कि जैसे अध्यात्म पा लिया। हर तरह का भजन कीर्तन आपको सब कुछ सुन जाएगा। मैम आप लोग कहाँ से हैं, क्या करती हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ? जिला बुलंदशहर से आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा है। क्या क्या देखा, कैसा लगा, कुछ बदला है? बहुत बहुत बदला है, बहुत कुछ बदला है, पहले से बहुत कुछ बदला हुआ मिला है, बहुत कुछ बदला हुआ है, रोडों पे, मंदिरों पे, सब पे कुछ, सब कुछ काम किए हैं मोदी, बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत कुछ काम किए, अन्न धन बहुत कुछ दे रहे हैं दुनिया को। हाँ, जिनको घर नहीं है घर दे रहे हैं, जिनको सिलेंडर नहीं सिलेंडर दे रहे हैं, खाने को अन्न धन दे रहे हैं, बहुत कुछ दिया है। आपको क्या मिला है, कुछ मिला है यहाँ पर आपके इलाके में, क्या बदला है? हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत खुशी मिली है मंदिर देख के। हाँ, राम जी का मंदिर देख के बहुत की खुशी मिली है हमें। यहाँ पहले आई थी कभी? हाँ पहले आई थी। क्या अंतर? हाँ बहुत कुछ अंतर है, बहुत कुछ अंतर आया मंदिर में देखने, भगवान राम के मंदिर में रोडों पे बहुत कुछ अंतर आया। आप इससे पहले भी आई हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, क्या महसूस कर रही हैं आप? सिकंदराबाद से आए हैं जी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी साहब, बहुत ज्यादा मकान बना दिए, राशन फ्री दे रहे हैं, सेवा में लग रहे हैं वो, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और यहाँ पे भी बहुत बदलाव हो गया। क्या बदला है, राम मंदिर बनने से आपके लिए क्या बदल जाएगा? हाँ बहुत बदल जाएगा, दुनिया ही बदल जाएगी, दुनिया बदल गई और बदल जाएगी, मोदी की जीत रहनी चाहिए, मोदी की जीत रहनी चाहिए। तो 24 के चुनाव में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा कौन है? ये नहीं पता है। आप कहाँ से हैं, कितना भजन कीर्तन करती है, और अयोध्या आकर क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा, आज तक ना हमने देखा भगवान जीवन ने बहुत अच्छा करा हमारे मोदी साहब ने, और आगे को भी मोदी रहे, हमारी उम्र भी मोदी को लगे। क्यों? इसलिए आज तक किसी ने किया ना, कोई करेगा नहीं करेगा, उनके जैसे कोई नहीं करेगा जो भाई हमारे मोदी सर ने करा है। क्या किया ऐसा मोदी ने आपके लिए, क्या किया है? हमारे दो बेटों का घर बनवा दिया, बेटियां घर बनवा दिया, बेटियों को पैसे देते हैं, शादी ब्याह को पैसे देते हैं, आज तक किसी ने एक रुपया नहीं दिया, इतना जो अच्छा मोदी, और आगे को भी वही आम है, हम तो ये चाहते। राम मंदिर का आपके लिए क्या महत्व है? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत, कभी किसी ने नहीं करा, इतने दिन से टेंट में रहे मेरे राम, और आज अपने भगवान अपने घर में जा रहे हैं। रोना आता है, तकलीफ होती है इस बार? हाँ जी बहुत आती है, इतना आता है कि हमें भगवान हमारे भगवान हमारे जीवन है हमारे मोदी भैया ने बहुत कुछ करा, कोई नहीं कर सकता। मोदी भैया हैं आपके? बस जो भी कह देती हूँ मैं वो ही कहती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या कहती हूँ क्या नहीं कहती, पर मेरा मोदी भगवान है और रहेगा। मोदी भगवान क्यों है? उन्होंने आज तक गरीबों का संग दिया है, गरीबों को साथ देते हैं मोदी, आज तक कभी किसी ने नहीं किया जो उन्होंने किया है। सरकार कहती है हम गरीबों के लिए काम करते हैं, नहीं किया किसी ने, नहीं किया। हमारे भगवान, हमारे भगवान जी को लाने वाले केवल और केवल हमारे मोदी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? लज्जा शर्मा, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर। वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, आपके जिले में भी कुछ बदला है? बहुत बदला, बहुत बदल दिया, सारी जो भी सुविधाएं बहुत कर रहे हैं वो, और जितने भी उनके अधिकारी, जितने भी उनके कार्यकर्ता सब काम करते हैं। हाँ। वो अपना को ही करते हैं, बाहर गैर को नहीं करते, इन्होंने सबको ही किया है मोदी साहब ने, सबको ही किया है वो जो है। सबसे बड़ी बात ये है हमारे राम त्रिपाल में थे, अब हमारे राम बहुत ही मंदिर में विराजमान किए हैं। आपको लगता है सिर्फ राम मंदिर बन जाने से ही देश का कल्याण हो जाता है? देखो राम मंदिर बना है तो ये तो सबको बहुत ज्यादा खुशी है, और देश कल्याण का सबका कल्याण है राम मंदिर बनने से, ये नहीं है देश का ही सबका ही कर, राम के सुन करके तो सब लोग, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं है, इतना खुशी है राम, खुशी इतनी है, खुशी के आंसू ही है हमारे अंदर राम मंदिर बनने से। कितने सालों से चुपचाप पड़ा हुआ मंदिर, आज कितना हो रहा है राम मंदिर बनने से, ये मोदी जी लाए हैं, कोई नहीं लाया था आज तक, ये उन्होंने बनवाया है, कर दिखाया है, ये हिंदुओं के लिए है इतना। विपक्ष कहता है कि सिर्फ हिंदू की राजनीति करते हैं मोदी, गलत है ना, जो भी कहता है हिंदू, विपक्ष लोग तो नहीं करते राजनीति, सबको करते, वो तो चाय नहीं लेके मंदिर बन जाए,
ये तो भगवान की शक्ति है जो आज राम मंदिर बनना है हमारा। ये देखो, ये भगवान की शक्ति है हमारे की, मोदी जी लाए हैं, मोदी जी को तो जब ही तो राम मोदी जी को लाए हैं, और आगे हम कहें मोदी जी रहे, जब तक हम जिंदा रहे मोदी जी रहे। आंसू क्यों, ये भाव इतने भाव है हमारे अंदर, भाव के भगवान के, राम के, लक्ष्मी देवी है, जिला बुलंदशहर से ही। आप लोग सब लोग बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश में क्या बदला है आपके लिए, क्या उत्तर प्रदेश में बदला? हाँ, बहुत कुछ बदल गया उत्तर प्रदेश में। आपके मन की बात क्या है जो मोदी जी को कहना चाहेंगे? मन की बात तो ये है कि सब शांति वातावरण, नहीं तो गुंडा राज रहता है, और क्या मन की बात, तो अच्छा है। लड़की का मतलब क्या, लड़कियों को राज ये है कि लड़कियाँ कहीं भी जा रही हैं आ रही हैं, कोई बात नहीं है लड़कियों को। हाँ, मीरा भाटिया, आप आपके लिए क्या? भगवान जी त्रिपाल के अंदर से आज मकान में सबसे अच्छा तो हमें ये लगा। मंदिर बजा रहे हैं, इससे बड़ी चीज क्या मिलेगी? अयोध्या आज आए हैं हम देखने के मार्ग, रामलला को देख के आते हैं। 25 साल पहले आई थी, लेकिन कपड़े के अंदर थे राम जी, मिलिट्री पड़ी हुई थी, लेकिन अब मंदिर के अंदर आ गए तो बहुत अच्छी बात है जी। आज आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है राम मंदिर बनना? ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इसी वो खुशी है का ठिकाना ही ना खुशी का जी। मेरे लिए भी तन्नू और 22 कीर्तन करेंगे, 22 को जगमगाट करेंगे अपने मंदिरों में, जो जिसके भी हैं, सिकंदराबाद में इतनी है, राम दीवाने इतने हैं बहुत ही ज्यादा, के हर सुंदरकांड रामायण कीर्तन चलते रहते हैं, और भंडारा भी होगा रामा मोदी के लिए, और हमारे मोदी जी के लिए कोई गाना वाना बनाए हैं? कोई कीर्तन नेपाल से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, अच्छा राम जी के ससुराल से आ रहे हैं, जनकपुर सब जगह आ रहे हैं। बंसी बाज रही सरकार चलेगी मोदी की, भारत में बंसी बाज रही सरकार चलेगी मोदी, ऐ सरकार चलेगी मोदी की, सरकार चलेगी योगी की, ऐ सरकार चलेगी मोदी की, सरकार चलेगी योगी की, भारत में कई बाज रही सरकार चलेगी मोदी की, श्री राम के कपड़े पीले, श्री कृष्ण के कपड़े नीले, योगी के कपड़े पीले है, सरकार चलेगी मोदी, ऐ भारत में डंका बाज रही सरकार चलेगी मोदी, हाथ में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ में बसुरिया है, श्री राम के हाथ में धनुष बाण, श्री के हाथ मुरलिया है, मोदी के हाथ में झंडा फूलेगा, मोदी की, मोदी के हाथ में कमल चले सरकार चलेगी मोदी, ओ भारत में बंसी बाज रही सरकार चलेगी मोदी। ये राम भक्त हैं जो मंदिर दर्शन करने आए हैं, लेकिन उसके साथ अपने ही उत्साह में राजनीतिक रंग में भी रंग जाते हैं। कहते हैं अगर आपको राम राम नहीं आता तो आप मरा मरा भी कहेंगे तो भी आपको उसी का पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि घूम फिर के आता तो सब कुछ राम पर ही है, राजनीति हो या फिर दैनिक चर्या, हर एक चीज में राम कण कण में बसा हुआ है। हरियाणा के वो सारे लोग आए हुए हैं जो इस समय राममय हो रखे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है आपको अयोध्या आकर, कैसा लगा सबसे पहले कभी लग रहा है? भक्ति के देखते हुए अच्छा लग रहा, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। क्या किया? ये मंदिर जो बनवाया उसके लिए जिसने जी जान लगाया है, और मोदी जी ने इसको पूरा किया, योगी जी ने इसमें सहयोग दिया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को देखती है तो कितना अंतर लगता है? यहाँ स्वच्छता बहुत सस्ता है। अयोध्या दोबारा आएंगी? इससे पहले भी कभी आई? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। आकर अनुभूति क्या थी जी? बस ये था, जो हमारे पूज्य हैं तो उनके चरणों में आके बहुत खुशी मिली है, और हम भी रघुवंशी हैं तो उसको देखते हुए कुछ ज्यादा ही खुशी है। कभी लगता है कि टेंट से महल में आ गए, कितनी बड़ी बात हो गई है? ये बहुत बड़ी बात है, इतने टाइम बाद ये मौका मिला है हम लोगों को,
इससे बड़ा मौका क्या और मिलेगा हमें। 22 जनवरी को क्या करेंगे? अभी तो हम टूर पे जा रहे हैं, दिवाली घर पहुंचेंगे। 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे दोबारा बहुत खुशी के साथ। क्या करेंगे? दीप जलाएंगे, पटाखे चलाएंगे, बहुत मिठाई है और क्या, सब कुछ करेंगे। आपके लिए दिवाली से बड़ा पर्व है क्योंकि कई साल बाद दिवाली आ रही है। हाँ बहुत, हाँ बहुत बढ़िया बात। यहाँ कर कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। काम किया है मोदी ने, क्या काम किया है? अच्छा किया है, सुविधा। आपको आकर यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा सजरा बहन जी, हर महीने गाड़ी लेके आऊंगा मैं। हरियाणा सोना से हर महीने गाड़ी आएगी, सब भक्तों को लेकर के आऊंगा। हाँ देखे गंगा नाम, अच्छा नाम सजी हुई है और इतना सरयू नदी सजी हुई है, जहाँ भी देखो हर घाट सजे हुए हैं इस समय, हर जगह राम राम की धुनी हो रही है। हमारे पसवारे जितने भी हैं सारे राम राम की जयकार। जय आएंगे क्या आपको? हाँ जी बहुत अच्छा लगा, मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ पे सारी अयोध्या जी सजा दी, हम पहले आते थे कुछ नहीं था इतना, अब यहाँ बहुत बढ़िया है सारा कुछ। सबसे भावुक पल कौन सा रहा है, क्या रहता है सबसे? आज इस बार पहली बार आए हम यहाँ पर अयोध्या में, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी आना चाहिए था कि अभी की अयोध्या ज्यादा सुंदर है? इतना पता नहीं था अब इतना सजेगा, देखेंगे तो आज मौका मिला है देखने का। आपके लिए सबसे बड़ी अनुभूति क्या है? सरकार ने कुछ काम किया है आपको लगता है? यहाँ पर सरकार को कितने नंबर देंगे? 10 में से नहीं, 100 में से 1000 नंबर है उनके। इतना बल्ड डेवलपमेंट किया है, इतना उन्होंने विकास किया है, सब गंदगी को साफ किया है, सब भ्रष्टाचार को बंद किया है। ऐसी सरकार तो बड़ी मुश्किलों से मिलती है, जैसी सरकार ये मोदी और योगी की है। सब कुछ बदल के रख दिया, रिक्शा वाला कोई एक पैसे फालतू नहीं ले सकता, टेम्पू वाला कोई एक पैसे फालतू नहीं ले सकता, बिल्कुल स्वर्ग है, स्वर्ग है। जनता इससे खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, महा महा ज्यादा खुश है। जितनी इनकी तारीफ करें, ये भगवान के ही रूप है। हम तो ये कहेंगे इसलिए कि इन्होंने जनता का बहुत भला किया, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, बहन बेटी की सबकी इज्जत है, आज सब कोल्ले में चौड़े में चल सकती हैं, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीकी में जो है इन्होंने तरक्की कहा जाता है। खाली धर्म का नाम करते हैं, धर्म की बात, धर्म का काम नहीं है। धर्म तो ये हिंदू भारत देश है, ये धर्म का तो है ही प्रतीक। ये लोग जो गलत हैं, जो लोग इस बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं कि भाई राम का नाम सहारा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वो नास्तिक लोग हैं, वो नथिंग है, जीरो है, इक्वल टू जीरो उनके सामने। मोदी जी विकसित विकास, विकसित भारत, जन कल्याण, कितनी ही योजना है, बहन बेटी की इज्जत का सवाल उन्होंने दिमाग में सब कुछ रहता है। दुष्टों को, राक्षसों को, पापियों को उन्होंने जड़ से नाश किया है और आगे भी करेंगे। आज हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर जवान दिल खोल करके अपने खुले आम से कहीं भी जा सकता है, रात को भी और दिन को भी। तो हरियाणा से है, कुश्ती पर इतना बवाल चलता है कि वहाँ पर सवाल वो गलत, वो राजनीति है, वो खिलाड़ियों को भड़का रहे हैं। क्योंकि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये देखा नहीं जाता, ये हजम नहीं होता कि सरकार इतनी तरक्की कर रही है तो इनको गिराओ, किसी भी तरीके से गिराओ। कहने वाले ऐसे भी कहते थे ये तो राम तो है ही नहीं, क्या सबूत है? हमारे जो संत लोग थे उन्होंने 441 उदाहरण दिए थे, संत ने वहाँ गवाही दी थी, मुसलमान जज था, उन्होंने ये कहा था कि आप क्या अभी आपकी क्या अनुभूति अयोध्या? अयोध्या आकर बड़ी खुशी हुई है, हमारा तीर्थ स्थान है, हम इसमें अपने मन को शांति देते हैं और हमें ये विश्वास होता है कि हमारी सब कामनाएं पूरी होंगी और हम सुख शांति से अपना जीवन व्यवहार करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ी अनुभूति क्या है? हमको तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है। श्री रामचंद्र भगवान जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, उन्हों की रज में हम खड़े हुए हैं, तो हमको तो इसमें खड़ा होकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमें यहाँ देखकर ऐसा लगा है कि अब तक तो हमने टीवी में देखा था, अब लग रहा है कि पुराना राम राज्य देखने को दोबारा वापस मिल रहा है। इतनी साफ सफाई, पुराने तरीके से सारी चीजें हो रही है, ये सब हमारे योगी जी और मोदी जी के कारण। बहुत बहुत उनका धन्यवाद इस चीजों को करने के लिए। बहुत कुछ बदला है अयोध्या में, ये बात सही है, लेकिन ये बदलाव आगे आने वाले दिनों में क्या असर दिखाएगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। हर राज्य का अपना सुर, अपना स्वर होता है। उत्तर प्रदेश का एक वॉल्यूम है तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड का अपना ही स्वर और मिठास। हमारे साथ उत्तराखंड के वो लोग हैं जो यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए, राम मंदिर देखने के लिए, अयोध्या में अनुभूति करने के लिए। और गढ़वाली जहाँ संगीत है तो वहीं उसके साथ वही स्वर भी। आपके लिए क्या बदला है? अयोध्या आए हैं तो क्या लगा आपको, क्या महसूस? मैडम यहाँ आके तो हमको बहुत अच्छा लगा,
यहाँ का विकास दिख रहा है। भले जहाँ हम रुके थे वहाँ देख के, कल परसों हम 3-4 दिन से आ रखे वहाँ, तो हमें लगा कि कुछ दिख नहीं रहा था, पर जब हम इधर आए सरयू तट के इधर देख के, तो हमें लगा कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या बदला है? पहले कभी नहीं आए मैडम, हम पहली बार आए हैं यहाँ सरयू, उत्तराखंड से आए हम लोग जी। मोदी सरकार को 100 में से 10 में से कितने नंबर दें? बिल्कुल 100% नंबर देंगे, और 2024 में भी मोदी आएगा, मोदी जिंदाबाद। उनके काम के, उनके विकास से सबको पता लग रहा है। मेरा नाम प्रभाकर आनंद गिरिया। आप सब कहाँ से हैं? आपके लिए यहाँ आने की अनुभूति क्या है? मैम हम तो टिहरी गढ़वाल से हैं, हम यहाँ पे जो राम मंदिर बन रहा है ना, हम उसी की खुशी में यहाँ पे आ रखे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, मंदिर बनना, यहाँ पर आना, या यहाँ का विकास, आपको क्या लगा यहाँ? जी मैम, हम तो यहाँ रामलीला हो रही है हमारी गढ़वाल की, गढ़वाल कुमाऊँ पूरे उत्तराखंड की, हम 50 लोगों की टीम है और यहाँ महिला रामलीला कर रहे हैं हम उसमें तुलसी भवन में, तो उसके लिए हम आए हैं। करीब 300 लोग आए हैं, पूरी टीम आई है। कितने साल से आप ये कर रहे हैं? पहले कभी होता था कि लोगों को बुलाया जाता था रामलीला के लिए, क्या बदला है आपके लिए? सर मैम ये तो बदला तो बहुत सोच बदली है, यहाँ राम मंदिर बन गया, बन रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है, और सनातन धर्म के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी का मौका है। काम किया है मोदी सरकार ने आपके अनुसार? बहुत ही काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया लग रहा है हमको यहाँ आके कि मतलब हम तो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम सनातन। आपके लिए सबसे सुर में गा रही है, क्या नाम है, क्या करती है और यहाँ आकर कैसा लगता है? मेरा नाम रजनी पिजलवाण है, मैं हाउस वाइफ हूँ, और यहाँ हम रामलीला महिला मंगल दल से आए हैं, और यहाँ तुलसी उसमें हम रामलीला कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, सब बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ करके, और यहाँ हम रामलीला कर रहे हैं। सारी लेडीजें जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए क्या बदला है इस सरकार में? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ हो गया है, महिलाएं तो जो घर के अंदर दुबकी रहती थी सब बाहर निकल गई हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट में महिलाएं चल रही हैं, उनके लिए कोई बाधा बंधित नहीं है, घर वाले साथ दे रहे हैं, बच्चे हस्बैंड सब ससुर सब साथ दे रहे हैं, महिलाओं के लिए तो बहुत विकास। आपके लिए अयोध्या आकर सबसे अच्छा मेमोरेबल क्या रहेगा? ये हमारे लिए ये राम मंदिर बन रहा है, यहाँ सब कुछ मतलब अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है, अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर का अब रामी जी को योगी जी से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि योगी जी भी तो उत्तराखंड के ही हैं। हाँ, उन्हें हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें भी प्रोत्साहन करना चाहिए कि अपना गढ़वाल भी आगे आए। गढ़वाल भी आ गया है, लेकिन बात जब भारत की होती है तो हर प्रदेश आगे पीछे होकर कमोवेश एक साथ आगे बढ़ ही जाता है। अयोध्या इस समय एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर पूरे भारतवर्ष से, हर प्रदेश से, हर कोने कोने से कोई ना कोई अपने भक्ति भाव के साथ आ रहा है। ये वो लोग हैं जो करीब 1300 किलोमीटर साइकिल चलाकर या फिर पैदल केरल से, तेलंगाना से यहां तक आए हैं, और ये सफर आसान नहीं था क्योंकि इसमें 13 दिन से ज्यादा का समय लग गया, और इन मंत्रोच्चारण के साथ अपने भाव को राम तक, राम दरबार तक पहुंचाना आसान नहीं था। अतीत कुमार हमारे साथ हैं, आपके लिए कितने दिन साइकिल चलाई है, ईंट लेकर आए हैं, इसका क्या आपका भाव क्या है? जय श्री राम सभी को। हम लोग 13 दिन हो गए, आज 13th डे हम लोग पहुंचे हैं अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए। हम लोग ईंट जो है चांदी की इसलिए लेके आए, हर किसी का एक सपना रहता है घर बनाने का, हमारा सबका सपना था कि राम मंदिर बने, तो राम मंदिर बनने जा रही है, तो ईंट पट्टी की नहीं चांदी की ले जाए बोल के हमारी मंशा थी, और साइकिल पे आने की हमारी मंशा थी, इसलिए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। इतने दिन लगे, किसी को चोट लगी, कोई समस्या हुई इतने लोगों? आसान तो नहीं था 1300 किलोमीटर जर्नी करना साइकिल पे, थोड़े बहुत चीज़ा हुए, साइकिल से गिरना और पड़ना, पर राम की भक्ति में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, पहुँच गए बस। दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, राम का महत्व कितना है आपके लिए? इसका जवाब मैं सिर्फ एक ही बोल सकता हूँ, जय श्री राम। रामानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, आपके लिए कितना महत्व है, कैसे आए हैं, कितनी दूर से पैदल आए हैं, क्या भाव है? हमने पूरा 8000 किलोमीटर चारधाम पादयात्रा किया, ये तो इतना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण समय है, हमको मिला, हम देखने को मिला, तो महाराज राम भगवान को दर्शन करने के लिए हम आया, तो हमारा कठिन कुछ भी नहीं है, जो 500 वर्ष हमारा भारत ने जैसा भी हो गया उसके हिसाब से हमारा कठिन कुछ भी नहीं है,
तो हम बस इतना तो है, तो हमको खुशी नसीब या सौभाग्य हमारा भगवान को दर्शन करने के लिए। दिन लग गए केरल से यहाँ तक आना, और केरल में आपके लिए भगवान राम का क्या महत्व है? बस चारों भाइयों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए केरल में मंदिर है, हम उस क्षेत्र में हमारा है। केरल में एक महीना रामायण के लिए रखा हुआ है, रामायण मास होता है, कर्कटक मास रामायण के लिए होता है। हमको ये बहुत बहुत मतलब राम मतलब हमारा जान है, और स्वामी अय्यप्पा मतलब हमारा जान है, कृष्ण मतलब हमारा जान है, तो सब कुछ हमको यही है। बड़े सवाल उठते हैं राजनीति के लिए, केरल की अलग तरह की राजनीति है, वोट बैंक अलग है, कैसे देखते हैं मोदी सरकार के काम को आप? सी देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट व्हाट मोदी जी इज डूइंग, ही इज डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क एवरीवेयर, बट द इशू इज दैट नो कम्युनिस्ट लाइक नो दे आर पेस्टिंग देयर लेबल ऑन व्हाटएवर मोदी जी इज डूइंग, एंड इट इज चेंजिंग टुडे, एंड मोदी जी इज अराइविंग इन त्रिशूर, लाइक प्रोबब्ली आई हर्ड दैट मोदी जी इज इन त्रिशूर, एंड थिंग्स विल चेंज रैपिडली, and people will realize what Hindutva really is. आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल था ये साइकिल चलाकर यहाँ तक आना? हम लोगों को तो आसान ही दिखा, थोड़े थोड़े रोड पे जरा चढ़ा भी आता कि थोड़ा थक गए थे, उसके बाद में तो जय श्री राम स्वामी श्रम अच्छा है, मगर थोड़ा सर्दी चल आ रही है अपना उत्तर प्रदेश और मध्य। याद रहेगी, चोट लगी आपको, सर्दी याद रहेगी यूपी की? हाँ रहेगी, याद रहेगी मैम, याद रहेगा मैम। अच्छा क्या लगा, भाव क्या है? सबसे अच्छा हम लोग क्या था बोलते, त्रेता युग के राम के दर्शन करना था, कलयुग के राम के तो हम लोग हमेशा कर रहे हैं, अभी त्रेता युग के राम के दर्शन करना है हमारे को, बहुत खुशी हो रही है हमारे को। कोई इंजीनियर है, कोई अपना काम करता है, लेकिन आज जब सब एक साथ एक ही सुर एक ही स्वर में गा रहे हैं, तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जब मंदिर आएंगे तो दर्शन करके ही जाएंगे और इतिहास भी देखते जाएंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज।